बन के गुब्बारे ले आए हैं। ये देखिए हमारी मोहब्बत इमरान खान के साथ। इमरान खान जिंदाबाद। ये नाज़रीन इकराम, अफरा तफरी के माहौल में जिस वक्त कहा जा रहा था कि लोग नहीं निकलेंगे, जमान पारा क्या है, वहां बुशरा बीबी बैठी हुई है, यहाँ पर लोग जलसा कर रहे हैं अपना एक छोटा सा। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आवाम के दिलों से आप इमरान खान की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। आमद का सिलसिला जारी है। ये पीटीआई का वो झंडा लेके इंसान आया हुआ है जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी है, झंडे पर ही पाबंदी है। ये झंडा बस की जादी चाहिए। की जादी क्या चलता है? विमान पारे से हम गुजरे थे खान साहब की लव में, इधर से गुजरे थे। उनकी वो एक यादगार वो आ रही थी। इन लोगों ने झंडे पे पाबंदी लगाई थी, हम लोग बलून ले हैं के बिल्कुल इन लोगों को यही हो कि लोग झंडे नहीं लेके आएंगे, लेकिन हम अपना साइन साथ लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 14 अगस्त आ गई है, एक ही छोटा सवाल है, आज़ादी मिली थी हमें, लेकिन क्या आप आज़ाद हैं? नहीं आज़ाद। क्यों नहीं आज़ाद सर? बस नहीं है आज़ाद। नहीं है आज़ाद। नहीं। आज समान पार्क में ये नाज़रीन इकराम मनाज़िर देख सकते हैं। कहा जा रहा था बिल्कुल यहाँ पे आवाम नहीं आएगी, लेकिन आवाम का जमे का फिर लग चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, बस मैं आपको देख के आया था। मोहब्बत नहीं खत्म होनी चाहिए, लेकिन एक बात आपसे आइए, मेरा चलाना भी आपने कट नहीं करना, ठीक है? जो बंदा भी पीटीए का चाहे नून लीग का, ठीक है ना, आप किसी को बुरा ना कहेगा। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं अब आपसे एक सवाल कर सकता हूँ, इजाजत है? आप आज 14 अगस्त मनाने निकले, हकीकतन तौर पे क्या आप आजाद हैं? जी आजाद है, आजाद है, आजाद। इस मुल्क में बोलने की, सुने तो सही, इस मुल्क में आपको बोलने की आजादी है? जी है। इमरान रियाज अरशद शरीफ कहाँ पर है? क्या इमरान रियाज अरशद शरीफ कहाँ पर है? जेल में है। अरशद शरीफ भी? क्या अरशद शरीफ भी? यार मेरी बात सुने, मैं आपको मेरे भाई हैं सियासत का। अच्छा, आपने कहा इमरान रियाज जेल में, क्यों है जेल में, क्या करता हुआ ऐसा? इमरान खान, इमरान रियाज वो जो साफी है, भाई है हमारे, उनको पता नहीं, पता साफी है जो, हाँ वो पता नहीं कितने गायब हुए हैं। तो ये आजादी राय है यार? आपकी बात ठीक है, देखे ना, कभी कुछ होता है, कभी कुछ। ईमानदारी से बताओ, पाकिस्तान का इस वक्त मौजूदा दौर का बहादुर तरीन लीडर कौन है? इमरान खान। एक सिंपल नाम बोले, पहले नाम बोले फिर आगे। नाम क्या? सुभाष शरीफ है। सुभाष शरीफ बहादुर लीडर है। अब कहाँ जा रहा है वो इस वक्त? कहीं भी नहीं जा रहा। कहाँ भाई? लंदन जा रहा है। अब लंदन जा रहा होगा, लंदन जा रहा होगा, लेकिन कहीं नहीं जा रहा, भीतर ही। अगर लंदन भाग गया फिर क्या करेंगे? नहीं भागेगा, ये गारंटी है। एक मिनट, मैंने आपका नंबर ले लेना है। अगर सुभाष लंदन भागा अपनी सजा बताए? नहीं भागेगा, ये अगर भाग गया तो फिर आपकी क्या सजा? बोस ये भी आपको गारंटी है, नहीं भागेगा। मैंने सिर्फ एक सिंपल सा सवाल किया, मुझे जवाब दो, मैं आगे जाऊँ क्या भाईजान? यार फिर वही बात, आगे भी चले गए। मुझे सिंपल सी बात का जवाब दे दें, इस वक्त पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर कौन है? बोलने में नहीं कुछ होता। अच्छा कह रहे बोलने में कुछ नहीं जाता, मतलब मानते कि इमरान खान बहादुर लीडर है? मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान भी चोर है। अच्छा, नवाशी भी चोर है, सारे चोर है। क्यों? मेरी बात ने क्यों? जब हमारे नबी की बेहरमती होती है कोई नहीं बाहर आता। अच्छा भाई, हम पीटीआई नवाज शरीफ के पहले हम मुसलमान हैं, नबी की उम्मती। इस तरह ही है, ऐसी है, इस तरह ही है। नबी की उम्मती होने का फर्ज है हम सच बोलें। अब सच बताएं कि कौन सा वो वाहिद लीडर था जिसने यूएन में जाके कहा कि अल्लाह के नबी को गुस्ताखी करते तो मेरे दिल में तकलीफ होती है? यार आपकी बात ठीक है। नहीं, कौन था? इमरान खान था। तो आप कैसे कहते वो हरमत में नहीं निकलता? नहीं निकलता, उसने तो बिल पास होती है। जब होती है बहुत शुक्रिया। ये झंडे फाड़ने वाली हरकत ना करें यार, ये गुब्बारा फाड़े आप लोग, बर्दाश्त करें थोड़ा सा, ये उनका आईनी हक है। आप लोग दोबारा फाड़े, ठीक है दोबारा फाड़ने से मोहब्बतें नहीं निकलती भाई। झंडे
झंडे पे पाबंदी लगाई, हम झंडा नहीं, हम मूसला के गुब्बारे ले आए हैं। ये देखिए हमारी मोहब्बत इमरान खान के साथ। इमरान खान जिंदाबाद। ये नाज़रीन इकराम, अफरा तफरी के माहौल में जिस वक्त कहा जा रहा था कि लोग नहीं निकलेंगे, जमान पारा के वहाँ बुशरा बीबी बैठी हुई है, यहाँ पर लोग जलसा कर रहे हैं अपना एक छोटा सा। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आवाम के दिलों से आप इमरान खान की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। भाईजान ये बताइएगा, पूरे मुल्क में क्रैक डाउन है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए ये हमारे पास इमरान खान का घर है, हमने तो आना ही आना था यहाँ। अच्छा, इमरान खान की मोहब्बत में हम यहाँ पे आए हैं, उसकी मोहब्बत में जहाँ पे निकलेगी हम निकलेंगे। आप निकलेंगे सर, क्या कहेंगे सर? इन्होंने झंडे पे बंदी लगाई, ठीक है, हम लोगों ने गुब्बारे बना लिए, इनको मुझे लगता है कि लाल और हरे रंग से मसला बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि वो झंडे बंद करेंगे, अगली दफा कहेंगे ये गुब्बारे भी बंद कर देंगे, क्योंकि भाई लाल रंग जो है इंसाफ का है, हरा रंग जो है मुसलमान का है, दोनों से मसला होगा। ऐसे ही है। आप मुझे बताइएगा सर, ये गुब्बारे लाने का मकसद क्या है आपका यहाँ पे? गुब्बारे लाने का ये मकसद है कि लोग इमरान खान साहब को पता चले कि हम लोग निकले हैं, ठीक है। इन लोगों ने झंडे पे पाबंदी लगाई थी, हम लोग बलून ले हैं, कि इन लोगों को यही हो कि लोग झंडे नहीं लेके आएंगे, लेकिन हम अपना साइन साथ लेके आए हैं। ये देखे गुब्बारे लेके आए, उनको पता चले कि पीटीआई वाले हैं, पीटीआई वाले हैं, जिंदा हैं। हाँ जी, क्या बात है नाज़रीन इकराम, ये हालात आप देख सकते हैं नाज़रीन इकराम के, अभी तक पाकिस्तान में जो क्रैकडाउन चल रहा है उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह से मोहब्बत नहीं निकाल सकते। खैर, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी कौम को, इमरान खान साहब? देखें जी, इमरान खान हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत है, हम चाहे इमरान खान हो ना हो, इमरान खान के लिए हम निकलेंगे, निकलेंगे जरूर। क्या बात है, क्या बात, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद, पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम, ये थे हमारे कुछ लोग जो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि बहुत एक छोटा सा माहौल बना हुआ है, उस तरफ भी काफ़ी लोग खड़े हुए, इस तरफ भी खड़े हुए, लेकिन जो अफरा तफरी का आलम है वो यहाँ पर आ नहीं पा रहे, मगर पाकिस्तानी लोग आज भी ये मानते हैं कि इमरान खान उनकी आखिरी उम्मीद है। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे पाकिस्तान पर एहसान व करम करे, पाकिस्तान जिंदाबाद।